ये जिंदगी की जीत ही कहलाएगी। इधर नेपाल में आए भूकंप में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनों की तलाश में अब भी जुटे हैं। गोरखपुर के राहत शिविर में एक ऐसी ही बच्ची है जो परिवार की तलाश में भटक रही है। रिया जोशी काठमांडू के धनगढ़ी की चौमाला की रहने वाली हैं। रिया जोशी का कहना है कि वो फोन पर अपने घर वालों से संपर्क की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक बात नहीं हो सकी। बाएं तरफ भोजन और जलपान की समुचित व्यवस्था है, पंडाल क्यों अभी तक ताला है? जी पुतली सड़क पर थे, हमारे मम्मी पापा रहते हैं, लेकिन कॉल लग नहीं रहा है वहाँ का घर का नंबर। यहाँ मैं खुर्रम नगर रहती थी, जॉब के लिए आई थी खुर्रम नगर, तो वहाँ पे कॉल नहीं लग रहा है 6 दिन से। कॉल कर रही हूँ लेकिन कॉल लग नहीं रहा है वहाँ पे। यहाँ पे वहाँ मतलब टीवी में देखा था तो गोरखपुर में कह रहे नेपाल से जो लोग आ रहे हैं तो उनको मतलब वो हेल्प कर रहे हैं। जी काठमांडू से है, तो अगर मेरे घर वाले देख रहे हो तो यहाँ गोरखपुर राहत शिविर में कांटेक्ट करें। रिया जोशी एक है, ऐसे ही न जाने कितने लोग अपनों को इस वक्त भी तलाश रहे हैं।